आपकी जिंदगी रातों रात कैसे बदल सकती है, इसका नमूना इन दिनों सोशल मीडिया पर आप आसानी से देख सकते हैं। आज आप सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल होकर फर्स्ट से अर्श तक का सफर तय कर सकते हैं और बन सकते हैं सुपरस्टार। 2022 ने बहुत लोगों की किस्मत बदली उन्हें रातों रात वायरल करके, लेकिन आज मैं ऐसे 10 लोगों की बात करने वाली हूँ जो 2022 में रातों रात वायरल तो हुए ही, साथ ही साथ उन्होंने अपनी किस्मत बदली और आज उनके लाखों करोड़ों दीवाने हैं और अपनी लाइफ में कर रहे हैं बहुत अच्छा। कैसे इन 10 लोगों ने 2022 में रातों रात वायरल होकर चमकाई अपनी किस्मत, वो आपको आज इस वीडियो में देखने मिलेगा। लेकिन उससे पहले 2023 में कौन होना चाहता है रातों रात वायरल और चमकाना चाहता है अपनी किस्मत का सिक्का, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या पता 2023 में मैं आपके बारे में बता रही हूँ, तो चलिए आप करिए कमेंट और मैं करती हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। नंबर 10, काम वाली बाई। व्हेन सैलरी इज लेट, काम वाली बाई की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगी। शीला दीदी, इस बार आपका पेमेंट थोड़ा लेट होगा। हा? हाँ हाँ दीदी, चलेगा, कोई बात नहीं। और याद हो भी क्यों ना, इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका ही मचा कर रख दिया था। हर जगह काम वाली बाई के एक्सप्रेशंस की बातें हो रही थी, सब लोगों को इनकी वीडियो बहुत पसंद आ रही थी। आज इस वीडियो में 128 मिलियन व्यूज आ चुके हैं, लेकिन वो यही वीडियो थी जिसने इनकी पूरी तरीके से किस्मत चमका कर रख दी। और लोगों को इनकी वीडियो इतनी ज्यादा पसंद आने लगी है कि तब से इन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इनकी हर वीडियो ट्रेंडिंग पेज के नंबर 1 पर होती है मात्र चंद घंटों में, और यही कारण है इनके चैनल शॉर्ट ब्रेक्स में इतनी जल्दी इन्होंने 17 मिलियन सब्सक्राइबर का आंकड़ा पूरा कर लिया है। इनका असली नाम अर्पणा तांडले है और ये इंस्टाग्राम पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इनके इंस्टाग्राम पर 250K फॉलोअर्स है और आज ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इनको एक्टिंग के बड़े बड़े ऑफर्स आने लगे हैं, क्या पता आपको बहुत जल्दी ये किसी वेब सीरीज में या फिल्म में दिखाई दे। नंबर 9, अभिलाषा पंडा। हर हर शंभू भजन आपने जरूर सुना होगा, 2022 में सबसे ज्यादा सुना जाने वाला ये भजन रहा है। आज इस पर 130 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। 2022 ने इस खूबसूरत भजन को तो वायरल किया ही, साथ ही साथ इसको गाने वाली अभिलाषा पंडा को भी वायरल कर दिया। इस गाने को गाने के बाद अभिलाषा पंडा को म्यूजिक इंडस्ट्री ने हाथों हाथ थाम लिया। इसके बाद इनको कई भजन गाने का मौका मिला, बॉलीवुड से भी इनके लिए ऑफर आए, लेकिन अभिलाषा अभी भजन ही गाना चाहती हैं। 2022 इनके लिए बेस्ट ईयर रहा है। ये मात्र अभी 21 साल की हैं और उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। इंस्टाग्राम पर भी ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, इनके 60K फॉलोअर्स हैं। नंबर 8, किली पॉल। तंजानिया के रहने वाले किली पॉल को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। हिंदी लैंग्वेज न जानने के बाद भी ये बॉलीवुड सॉन्ग पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिप सिंग करते हैं। मैंने जब देखा था तुझको, रात भी वो याद है मुझको। और यही क्वालिटी लोगों को बहुत पसंद आती है। 2022 में इनकी पहली वीडियो वायरल हुई थी जिस पर इन्होंने बॉलीवुड सॉन्ग पर लिप सिंग किया था, उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। आज इनके इंस्टाग्राम पर 4.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इतना ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में इनकी चर्चा भी की थी। मिलवाना चाहता हूं। इन दिनों फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर तंजानिया के दो भाई बहन किली पॉल और उनकी बहन नीमा, ये बहुत चर्चा में है। भारतीय दूतावास ने भारतीय अवार्ड से इनको सम्मानित किया और भारत आने का निमंत्रण दिया। इनकी बहन भी इनके साथ वीडियो बनाती हैं, जिनका नाम नीमा पॉल है, और ये भारत भी आ चुके हैं बिग बॉस 16 में एज अ गेस्ट। आज इनको हर कोई जानता है, तो देखा कैसे इनकी एक वीडियो ने इनको रातों रात सुपर स्टार बना दिया। नंबर 7, वंशिका हापुर। आपने काली साड़ी में किचन में डांस करते हुए इस लड़की का वायरल वीडियो जरूर देखा होगा। बोल तो मेरी जान करेंगे मौज जमाने में। सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुई थी और आप लोगों ने इनके डांस को बहुत ज्यादा पसंद भी किया था।
14 साल की इस गरीब बेटी ने मात्र 25 दिन में वायरल होकर अपने पूरे गरीब परिवार का भाग्य ही बदल दिया, क्योंकि इनके वायरल होने के बाद कई यूट्यूबर्स और कई पत्रकार इनके पास पहुंचे, साथ ही साथ कई म्यूजिक एल्बम बनाने वाले भी। इनको म्यूजिक एल्बम का ऑफर मिला और वायरल होने के बाद इन्होंने भूत, काजू कतली, नागिन और सपेरा, डीजे आले, ना जाने कितने एल्बम सॉन्ग कर चुकी हैं और कर रही हैं। यूट्यूब पर भी इनका एक चैनल है जहां पर ये ब्लॉग्स बनाती हैं, वहां इनके 82.4K सब्सक्राइबर हैं। इंस्टाग्राम पर भी ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, जहां पर इनके 319K फॉलोवर्स हैं। और इन सब चीज़ों से मिलाकर ये 1 लाख रुपये महीने आराम से कमा लेती हैं। इनकी लाइफ में करिश्मा मात्र इनका 2022 में एक वीडियो वायरल होने की वजह से ही हुआ है। नंबर 6, भुवन बातेकर, कच्चा बादाम सॉन्ग तो आप सबने सुना होगा। 2022 की शुरुआत में ये सॉन्ग बहुत तेजी से वायरल हुआ था। सुमन तुम्हारा बादाम पवन, बादाम बादाम दादा का चाह बादाम, जिसकी वजह से इंस्टाग्राम पर जिसे देखो वही नाच नाच कर कच्चा बादाम बेचने में लगा हुआ था। ये गाना वायरल हुआ, साथ ही साथ इसको गाने वाले भुवन बादेकर भी रातों रात सुपरस्टार बन गए। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के भुवन बादेकर इतने गरीब थे कि वो साइकिल से गांव-गांव जाकर कच्चा बादाम बेचा करते थे, मतलब मूंगफली बेचा करते थे, जिसके बदले वो टूटे फूटे सामान और पुराने मोबाइल लिया करते थे। दिन के मुश्किल से 100-200 रुपए कमा लेते थे। जब वो कच्चा बादाम बेचा करते थे तो वो ये गाना गाया करते थे। ये गाना वो 10 साल से गा रहे थे। एक दिन एक लड़के को इनका गाना इतना पसंद आया कि उसने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दिया। फिर क्या था, ये गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जैसा कि आप जानते ही हो। और इस गाने ने भुवन बादेकर को रातों रात सेलिब्रिटी बना दिया। इस गाने के बाद हर कोई इनके साथ सेल्फी लेना चाहता था। कई यूट्यूबर और पत्रकार मिलने आए और इनको म्यूजिक कंपनी की तरफ से 3 लाख रुपये इनाम मिले। इनका एल्बम सॉन्ग भी आया जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा हिट रहा। नंबर 5, आयशा, मेरा दिल ये पुकारे आजा, इस सॉन्ग पे डांस करते हुए आपने इनको जरूर देखा होगा। क्योंकि इनकी ये वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इन्होंने इस सॉन्ग को ट्रेंड ही बना दिया, जिसको देखो वही ये ट्रेंड फॉलो कर रहा है। कॉमन पीपल कर रहे थे तब तक तो ठीक था, लेकिन माधुरी दीक्षित जी ने भी इस सॉन्ग पे डांस किया है और बिल्कुल आयशा की तरीके। तो इससे साफ पता चलता है कि ये सोशल मीडिया पर कितनी वायरल हो चुकी हैं। जहां इनकी वीडियो वायरल होने के पहले इंस्टाग्राम पर चंद फॉलोवर्स थे, वहीं आज बढ़कर 705K फॉलोवर्स हो चुके हैं मात्र कुछ ही दिनों में। ये सेलिब्रिटी बन चुकी हैं और इनका एक बहुत जल्दी एल्बम सॉन्ग भी आने वाला है। ये पाकिस्तान के लाहौर से बिलोंग करती हैं। नंबर 4, दीपेंद्र सिंह, हीरोपंती के टाइगर श्रॉफ के डायलॉग छोटी बच्ची हो क्या, जब इन्होंने मिमिक करके सोशल मीडिया पर डाला तो मानो मीम्स की झड़ी ही लगी। अरे क्या करें, सबकी आती नहीं, हमें इच्छा आती नहीं, छोटी बच्ची हो क्या। लोगों को इनका बोलने का अंदाज बहुत अच्छा लगा और लोगों का तो ये भी मानना था कि इन्होंने टाइगर श्रॉफ से भी ज्यादा अच्छा बोला, जिसको देखो वही बोल रहा था छोटी बच्ची हो क्या। दीपेंद्र सिंह जो एक कॉन्टेंट क्रिएटर और मिमिक्री आर्टिस्ट है, ये बहुत दिन से सोशल मीडिया पर स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन 2022 ने इनकी किस्मत पूरी तरीके से चमका दी। टाइगर श्रॉफ भी इनके डायलॉग से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए, इतने प्रभावित हुए कि इनको रील्स बनाने के लिए अपने साथ बुला लिया। टाइगर श्रॉफ के साथ इन्होंने रील बनाया, जिसको आप इनके इंस्टाग्राम अकाउंट में देख सकते हैं। अब ये सोशल मीडिया पर काफ़ी हद तक सक्सेस है। अगर इनके यूट्यूब में सब्सक्राइबर की बात की जाए तो वहाँ पर 118K सब्सक्राइबर हैं और इंस्टाग्राम पर भी ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, जहाँ इनके 259K फॉलोवर्स हैं। नंबर 3, 5 किलो आटा दिला दो वाला वायरल लड़का। भैया 5 किलो वाला आटा दिला दो भैया, मेरी माँ का तबीयत खराब है भैया, ऐसा इंसान नहीं हूँ भैया, आपका दिल जो देना होगा दो, वरना लाइक करो फॉलो करो। आपने इनकी ये वीडियो जरूर देखी होगी और जब आपने इनकी ये वीडियो देखी होगी तो आपको इस लड़के की बातों में बहुत ज्यादा सच्चाई लगी, क्योंकि इस लड़के की बातों ने ही इसको इतना ज़्यादा वायरल किया। जहाँ लोगों के गरीबी आने के बाद लोग भीख मांगना शुरू कर देते हैं, वहीं इस लड़के ने कुछ ऐसी बात कह दी जो सबका दिल ही जीत ली। नंबर 2, पतली कमरिया मोरी हाय हाय। आजकल सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको देखो वही इस ट्रेंड पर वीडियो बना रहा है। लेकिन अगर सोशल मीडिया पर कोई ट्रेंड वायरल होता है तो
तो उसके साथ साथ किसी एक की किस्मत बहुत तेजी से चमकती है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ उत्तराखंड की इन चार लड़कियों के साथ, जिन्होंने इस ट्रेंड पर वीडियो बनाया और उनकी वीडियो रातों रात वायरल हो गई। और इनकी इस वीडियो पर 50 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज आ चुके हैं। जहाँ इस वीडियो के वायरल होने के पहले इनके इंस्टाग्राम पर चंद फॉलोवर्स थे, वहीं बढ़कर आज 249K फॉलोवर्स हो चुके हैं। और खबरें तो यहाँ तक आ रही है कि इन चारों का एक एल्बम भी आ रहा है। आपका इन चार लड़कियों के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर वन, प्रदीप मेहरा, लास्ट बट नॉट द लिस्ट। आपने इनकी ये वायरल वीडियो जरूर देखी होगी। अजय छोड़ देता हूँ मैं तुमको। ना, मैं ऐसे जाऊंगा। तो दौड़ते हुए क्यों जा रहे हो? दौड़ते हुए क्यों जा रहे हो? दौड़ के जाता हूँ। कहाँ से काम, कहाँ काम करते हो? मैगजी में, सेक्टर 16। तो गाड़ी में छोड़ देता हूँ ना, गाड़ी में छोड़ देता हूँ। ऐसे जाऊंगा ना, दौड़ने का टाइम भी मिलता है मुझे। क्योंकि इनकी वीडियो वायरल होने के बाद देश का हर इंसान इनकी जमकर तारीफ कर रहा था। बहुत कम ही बार ऐसा देखा जाता है कि किसी वीडियो को लोग इतना प्यार दें। ये बात 20 मार्च 2022 समय रात के 10 बजे की है, जब मीडिया जगत के पत्रकार और फिल्म मेकर विनोद कपाड़े की नज़र नोएडा की सड़क पर दौड़ रहे एक लड़के पर पड़ी। उन्होंने सोचा कि लड़का जरूर बहुत बड़ी परेशानी में होगा, तभी इतनी रात को इतनी तेजी से दौड़ रहा है। लेकिन जब उन्होंने इनके दौड़ने की वजह जानी तो मानो उनके होश ही उड़ गए। दीपेंद्र ने बताया कि मैं आर्मी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, इसीलिए रोज रात को दौड़ता हूँ। दिन में मुझे समय नहीं मिल पाता है क्योंकि मैं एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ और अपने घर का खर्चा चलाने के लिए मुझे दिन में ड्यूटी करना पड़ता है। मैं रोज ड्यूटी से छूटने के बाद दौड़कर घर जाता हूँ, इससे मेरी आर्मी की तैयारी भी पूरी हो रही है और साथ ही साथ मेरे घर का खर्चा भी चल रहा है। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुई और लोगों तक पहुंची तो ये वीडियो रातों रात वायरल हो गई। इनकी बातों ने लोगों का दिल ही छू लिया, मानो ये रातों रात सेलिब्रिटी बन गए। कई न्यूज़ रिपोर्टर इनके घर ही पहुंच गए, लेकिन प्रदीप ने इंटरव्यू देने से साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं बनना चाहता हूँ, मैं आम जीवन जीकर आर्मी जाने का सपना पूरा करना चाहता हूँ अपना। आज भले ही प्रदीप सोशल मीडिया पर कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, उन्होंने अपनी मर्जी से सेलिब्रिटी ना बनने का निर्णय लिया, लेकिन उन्होंने आर्मी जाने का जो निर्णय लिया वो हम सबके लिए एक प्रेरणा है। इनसे इन्होंने मेरा दिल तो जीत लिया, क्या आपका भी इनकी बातों ने दिल जीत लिया? तो नीचे कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिएगा। और मैं आखिरी में प्रदीप से यही कहना चाहूँगी कि उनका आर्मी जाने का सपना जल्द से जल्द पूरा हो। तो चलिए, ये 10 लोग थे जिन्होंने 2022 में रातों रात वायरल होकर अपनी किस्मत चमका ली। क्या आप भी 2023 में वायरल होना चाहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपके अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट है जो आपको 2023 में वायरल कर देगा। तो चलिए, ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो कर दीजिएगा लाइक और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया और अभी तक हमारे चैनल को क्या नहीं सब्सक्राइब तो क्या करो? हम लोग ऐसे ही अमेजिंग और रियल वीडियोस लाते रहते हैं। ऐसी अमेजिंग और रियल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हमारी वीडियोस पहुंचे सबसे पहले आपके पास, उसके लिए बेल आइकॉन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।